सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जान तो कर दी हमने वतन के नाम पर, शान तो कर दी हमने वतन के नाम पर, कुर्बानियों से पाई है हमने ये आजादी। हमारा वतन तो लाखों में एक है, आन भी कर दी हमने वतन के नाम पर। 16 दिसंबर आज के दिन की आपको ढेर सारी मुबारकबाद। आज ना तो स्वतंत्रता दिवस है ना ही गणतंत्र दिवस है, आज 2 अक्टूबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का दिन है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि आज ही के दिन 45 साल पहले 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध की परिणति के रूप में भारतीय सेना के रणबांकुरों के पराक्रम के सामने पाकिस्तानी सेना ने नतमस्तक होते हुए बिना शर्त घुटने जो टेक दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस युद्ध का एक नतीजा ये भी निकला कि पाकिस्तान का एक हिस्सा उससे हमेशा के लिए अलग हो गया और दक्षिण एशिया में बांग्लादेश के नाम से एक नया मुल्क अस्तित्व में आया, जिसके चलते आज का दिन भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की विजय का दिवस माना जाता है। 93,000 पाकिस्तानियों ने किया था आत्मसमर्पण। साल 1971 में हुए इस भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना पराजित हुई थी और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 10 से ज्यादा दिन के इस युद्ध में कई भारतीय जवान शहीद हुए और हजारों घायल हुए, लेकिन आखिर में पाक सेना का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के कमांडर ले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर हार स्वीकार की थी। 3900 भारतीय जवान इस जंग में हुए थे शहीद। भारत पाक युद्ध के वक्त जनरल सैम मानकेकशॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे और इस जंग के बाद बांग्लादेश के रूप में विश्व मानचित्र पर नए देश का उदय हुआ। 3900 भारतीय जवान इस जंग में शहीद हुए और 9,851 जवान घायल हुए। आइए आपको बताते हैं उन भारतीय सैनिकों के बारे में जिन्होंने इस महासंग्राम में अपूर्व शौर्य और साहस का परिचय दिया था। पूर्व सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ। सैम होरमोज जी प्रेम जी जमशेद जी मानेकशॉ उस वक्त भारतीय सेना के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा और इसमें विजय प्राप्त की और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। पूर्व कमांडर ले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। जगजीत सिंह अरोड़ा भारतीय सेना के कमांडर थे। वो जगजीत सिंह अरोड़ा ही थे जिनके साहस और युद्ध कौशल ने पाकिस्तान की सेना को समर्पण के लिए मजबूर किया था। पूर्व मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह को भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर होशियार सिंह ने 3 ग्रेनेडियर्स की अगुवाई करते हुए अपना अद्भुत युद्ध कौशल और पराक्रम दिखाया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर की दूसरी ओर शकरगढ़ के पसारी क्षेत्र में जरवाल का मोर्चा फतह किया था। पूर्व लांस नायक अल्बर्ट एक्का। 1971 के ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट एक्का ने अपनी वीरता शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए अपनी इकाई के सैनिकों की रक्षा की थी। भारत सरकार ने इनके अदम्य साहस और बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। पूर्व फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। निर्मलजीत सिंह सेखो 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो श्रीनगर में पाकिस्तान के खिलाफ एयरफोर्स बेस में तैनात थे, जहां उन्होंने अपना साहस और पराक्रम दिखाया था।
पूर्व लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के बल पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले शहीद जवान थे। इन जाबाजों के साहस और बुलंद हौसलों ने ही दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि वर्तमान समय में ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज देश के लिए वो दिन है जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस होता रहेगा, क्योंकि आज ही के दिन साल 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और उसी जीत को पूरा हिंदुस्तान विजय दिवस के रूप में मनाता है। उन सभी शहीद जवानों को हमारा सलाम, जिनकी वजह से ये संभव हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।